कृषि कानूनों की तारीफ करते करते आखिरकार सरकार ने इन्हें वापस ले ही लिया। इन कानूनों के खिलाफ पिछले एक साल से आंदोलन चल रहा था। इन कानूनों को किसानों के लिए खतरनाक बताने वाले जाने माने कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा का कहना है कि किसानों ने अभी आधी लड़ाई जीती है। तीन विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का स्वागत है, लेकिन जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को किसानों का कानूनी अधिकार नहीं बनाया जाता, तब तक कृषि संकट का अंत नहीं होगा। उनका कहना है कि यह सरकार सिर्फ इलेक्शन की भाषा समझती है। जब सरकार को नजर आया कि इलेक्शन में उसे वोट की चोट लगेगी तो वो झुक गई। मतदाता के वोट की पावर आज साफ साफ दिखाई दे रही है। इन कानूनों को वापस लेना देश के उन किसानों की जीत है जो अपनी खेती को चंद लोगों के हाथ में जाने से बचाना चाहते थे। हालांकि जब तक किसानों की मेहनत का दाम नहीं मिलेगा, तब तक वो संकट से उबर नहीं पाएंगे। इसीलिए सरकार को जल्द से जल्द MSP को किसानों की लीगल गारंटी बना देना चाहिए। आगे शर्मा ने कहा है कि अब भी कई राज्यों में सरकारी मंडियों में सरेआम केंद्र सरकार द्वारा तय की गई MSP के आधे दाम पर खरीदी हो रही है। मध्य प्रदेश, हरियाणा और UP में इसे देखा जा सकता है। इनमें मक्का, बाजरा, धान और सोयाबीन जैसी फसलों का दाम नहीं मिल रहा। हरियाणा में बाजरा 1100 से 1200 रुपए में बिक रहा है, जिससे किसान खासे परेशान है। बिहार और UP जैसे जिन राज्यों में मंडियों की कमी है, उनमें किसान अपनी उपज औने पौने दाम पर व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर है। ऐसे में जब MSP को किसानों का लीगल राइट घोषित किया जाएगा तो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया दाम ही मिलेगा। आज ई-नाम, जिसे सरकार कृषि सुधार का एक कदम बता रही है, उसमें ज्यादातर फसलें MSP से नीचे बिक रही हैं। शर्मा का कहना है कि ऐसे सुधारों का क्या फायदा जिसमें किसानों को उनकी मेहनत का दाम ही ना मिले। सुधार ऐसे होने चाहिए ताकि उससे किसानों को अच्छा दाम मिले। यह तभी होगा जब उन्हें इसका कानूनी अधिकार दिया जाएगा। ऐसा हुआ तो निजी क्षेत्र को भी किसानों को सभी फसलों का अच्छा दाम देना होगा। वहीं कृषि विशेषज्ञ विनोद आनंद का कहना है कि हम चाहते थे कि कोई भी किसान अपनी कृषि उपज कहीं भी ले जाकर बेचे। यह अवसर इन किसानों को इन कानूनों से मिल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल का स्वागत किया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रावधानों और मंडी के बाहर कृषि कारोबार करने वालों के लिए MSP को बेंचमार्क नहीं बनाए जाने में हम खिलाफ थे। हम इस बिल का शर्तों के साथ समर्थन कर रहे थे, जिसमें हमारी मांग थी कि MSP को किसानों का लीगल गारंटी घोषित कर दिया जाए। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा में धान, गेहूं और अन्य फसलों की खरीद होती है, उसी तरह से दूसरे राज्यों में भी खरीद हो। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।